नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। नई दिल्ली वाटर डाइजेस्ट संस्था द्वारा आयोजित वाटर वॉरियर्स फॉर पीस 2023-2024 के कार्यक्रम में देश के कोने कोने में जल पर काम कर रहे जल योद्धाओं के साथ मध्य प्रदेश की डॉक्टर नंदिता पाठक भी हुई सम्मानित। वाटर डाइजेस्ट के वार्षिक समारोह में जल के क्षेत्र में समाज हित में काम करने वाले चुनिंदे प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। संस्था का ये प्रयास हर साल नए वाटर वॉरियर्स को नया मंच प्रदान करते हुए जल के क्षेत्र में और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। वाटर डाइजेस्ट भारत की एक प्रमुख जल पत्रिका है जो 2006 से जल उद्योग के मुख्य पत्र के रूप में काम कर रही है। वाटर डाइजेस्ट के एडिटर अनुपमा मधोक सूद एवं एडिटर इन चीफ AB पांड्या ने विगत कुछ वर्षों से लगातार जल योद्धाओं का सम्मान करते आ रहे हैं। माननीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। टीम कर्टिस निदेशक यूनेस्को अनुपमा सूद AB पांड्या जी विशिष्ट अतिथि रहे। माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने डॉक्टर नंदिता पाठक का सम्मान किया। डॉक्टर नंदिता पाठक ने भारत रत्न नानाजी देशमुख जी मार्गदर्शन में लगातार 22 वर्ष तक चित्रकूट क्षेत्र में समाजोपयोगी काम किया। तदुपरांत वे जल संचय के क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र, वाटर डाइजेस्ट महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रही हैं। ये सम्मान प्राप्त करने के बाद नंदिता जी ने सभी का आभार व्यक्त किया एवं कहा कि माननीय मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे विकसित भारत एम्बेसडर के नाते काम करने की भी बात कही। पद्मश्री कैलाश खैर, डॉक्टर SP गौतम, कुलदीप JNK, VV जबलपुर, प्रोफेसर PK मिश्रा जी, पूर्व महानिदेशक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन राजीव रंजन मिश्रा जी, अनुपमा सूद, अंजना पंत, नेहा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक अशोक कुमार, गंगा विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भरत पाठक सहित नमामि गंगे अभियान में लगे सभी कार्यकर्ताओं का डॉक्टर पाठक ने आभार व्यक्त किया। डॉक्टर नंदिता पाठक ने सम्मानित जल योद्धाओं एवं मंचासीन अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मैं डॉक्टर नंदिता पाठक एक सामाजिक उद्यमी हूँ और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है वाटर डाइजेस्ट के माध्यम से आज हमको वुमेन एंटरप्रेन्योर वाटर में जो भागीदारी करने का जो अवार्ड आज हमें मिला, इसके लिए मैं वाटर डाइजेस्ट को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। क्योंकि महिला उद्यमियों को यदि जल की सुविधा ही नहीं होगा तो कोई भी महिला उद्यमी नहीं बन सकती। और माननीय प्रधानमंत्री जी के thank you।